हेलो गाइस, हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे दोस्तों, आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और मैं देखिए आ गई हूँ माँ गंगा के चरणों में, और माँ गंगा के चरणों का आप सबका दर्शन करवाती हूँ फिर से। मैं आती रहती हूँ यहाँ पर, दूसरे तीसरे चौथे ऐसे आती रहती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर इतना ठंडा मौसम हो गया है, घर में तो इतनी गर्मी थी, लग ही नहीं रहा था कि इतना यहाँ पर मौसम मौसम तो बहुत सुहाना हो चुका है दोस्तों। और ये गंगा का किनारा है ना, तो ये जल का जो ठंडा है वो आ रहा है। और दूसरे यहाँ पर पीपल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, पेड़ भी बहुत ज़्यादा हैं, खुली जगह है, इस वजह से बहुत बहुत ज़्यादा ही ठंडी ठंडी हवा भी है। और मन कर रहा कि बस यहीं बिस्तर लगाओ सो जाओ, ऐसी लग रहा दोस्तों। तो आप सबको मैं दर्शन करवाती हूँ माँ गंगा के चरणों में, और दर्शन कीजिएगा, बहुत पावन नज़ारा है माँ गंगे का। आप सभी की तो रक्षाबंधन त्यौहार बहुत अच्छे से मना होगा, और मेरा बहुत अच्छे से मना, और आप सभी का भी मना होगा, इतनी उम्मीद मुझे बहुत है। भगवान आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे। जितने भी देख रहे हैं मेरे दोस्तों, आप सब दर्शन कीजिए माँ गंगा के चरणों में। देखिए रेता यहाँ तक आ गया था, और रेते में पैर फंस जाता है तो निकल नहीं पाता है, सबसे बड़ी परेशानी है नहाते समय। ये देखिए कैसे उतर गया है रेता यहाँ से। और क्योंकि जो है आजकल तो ऐसे नहाना नहाते हैं, नहाने वाले नहीं बात है, मैंने लेकिन नहीं नहा पाई इस बार अभी, क्योंकि रेता बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, इस चक्कर से नहीं नहाना हो पा रहा है। रेता फिर जाके घर में नहाना पड़ता है क्योंकि बालों में घुस जाता है। और ये देखिए माँ के चरणों का नज़ारा, माँ गंगा का चरणों का नज़ारा। देखिए यहाँ तक जल पूरा सीढ़ी डूबी पड़ी थी, और अभी फिलहाल के लिए तो सीढ़ी से तो नीचे उतर गया है जल, पर कितनी भाप सी उठ रही है देखिए। बहुत जंगल में पानी था, और जंगल की तरफ भी पानी हो ही गया था, जल जल हो गया था सारा जगह जल जल। तो अभी राहत हो गई है, थोड़ा नीचे उतर गई हैं माँ गंगे। बारिश हो ही रही है लगातार, तो पर बीच बीच में रुक रही है क्योंकि ऊपर बारिश हो रही है और नीचे बारिश कम हो रही है, तो ऊपर का तो जल आ ही रहा है दोस्तों। देखिए दर्शन करिए, आप सबको मैं दर्शन बहुत अच्छे से करा दी हूँ। अब देखिए फिर से एक बार नज़ारा माँ गंगे का, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुहावना मौसम, ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सबको दर्शन करा दिया है। इधर है आश्रम, और यहाँ गाय भी है अंदर उसके आश्रम के, बहुत अच्छी लग रही थी गाय, वो माता दिख रही थी। और पेड़ तो बहुत ज़्यादा है, भोलेनाथ की मंदिर यहाँ पर विराजमान है गंगा का किनारा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पावन मौसम है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको फिर मिलूँगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप सब लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तब तक के लिए हर हर गंगे, जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी को।